हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया। देखिए देश की ताकत देख लीजिए, कभी कभी हम अपने देशवासियों को कुछ भी कह देते हैं, मेरा अनुभव अलग है जी। हमने ऐसे ही कानों कानों में एक बात शुरू की थी कि भाई जो लोग एफोर्ड करते हैं इन लोगों ने गैस सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए। अब जो लेते थे वो कोई सरकार को 500 रुपया नहीं मिलते तो कोई भूखे नहीं रहने वाले, लेकिन ध्यान नहीं था। ऐसे चलता है यार, ध्यान नहीं था। सहज रूप से हमने बातें बातें में कहा, मैंने कहीं पब्लिकली नहीं कहा था, और मैं हैरान था, मैं सचमुच में हैरान था। 2 लाख लोगों ने वॉलेंटियरली अपनी गैस सब्सिडी सरेंडर कर दी, कानों कानों पे बात पहुंची। ये देख करके मेरा विश्वास बढ़ा, तो मैंने अभी ऑफिशियली पिछले हफ्ते लॉन्च किया कि भाई जो एफोर्ड करते हैं उन्होंने गैस सब्सिडी को सरेंडर करना चाहिए। और सरकार का इरादा सब्सिडी बचा करके तिजोरी भरना नहीं है, हमारा इरादा ये है कि अगर आप एक सिलेंडर छोड़ते हो तो मैं वो सिलेंडर उस घर को देना चाहता हूं जिसमें लकड़ी का चूल्हा है और जिसके कारण पॉल्यूशन होता है और जिसके कारण उनके बच्चों को धुएं में पलना पड़ता है और बीमारी का घर हो जाता है। मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात जब करता हूं तब आप जिस गैस सिलेंडर को छोड़ें वो उस गरीब के घर में सिलेंडर जाए ताकि उस महिला को लकड़ी जला करके धुएं में अपने बच्चों को पालने की नौबत ना आए। मुझे बताइए ये सेवा नहीं है क्या? मैं विश्वास करता हूं कि सभी हमारे बैंक अपने सभी कर्मचारियों को विश्वास में ले, बैंक एक एक बैंक रिजॉल्व करे कि हमारे बैंक के 20,000 कर्मचारी हैं हम सब्सिडी छोड़ देंगे। सारे इंडस्ट्रियल हाउस डिसाइड करें कि हमारे इंडस्ट्रियल हाउस में 5,000 एम्प्लॉई है हम सब्सिडी छोड़ देंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडस्ट्री उनको पैसे दे, ये मैं नहीं चाहता। वॉलेंटरी देना यानी देना हर हर एक व्यक्ति का। अगर हिंदुस्तान में हम 1 करोड़ लोग ये गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दे, इतनी ताकत रखते हैं, 1 करोड़ गरीब परिवारों में जहां लकड़ी का चूल्हा जलता है जिसके कारण जंगल कटते हैं जिसके कारण कार्बन एमिशन होता है जिसके कारण गरीब के बच्चे को धुएं में पलना पड़ता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हर छोटी चीज में संभव होता है। अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने विजन से यह संभव होता है।